बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे कोर्स के आखिरी लेक्चर्स हैं और आज हमने पढ़ना है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम और डिक्स्ट्रॉज एल्गोरिथम। सबसे पहले तो ये कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का मतलब यह है कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी नेटवर्क में दो वर्टिसेस के दरमियान, किसी भी दो नोड्स के दरमियान जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है उसको फाइंड करना, ठीक है ना। और उसी के बेस पे हम ये भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो पाथ है क्या जो इस मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए हमारे पास बहुत से एल्गोरिथम्स हैं, डिक्स्ट्रॉज एल्गोरिथम है और बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम्स है, फ्लॉइड एल्गोरिथम्स है, लेकिन हम जो आज एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे वो है डिक्स्ट्रॉज एल्गोरिथम। तो डिस्टेंस एल्गोरिथम करता क्या, इट फाइंड द मिनिमल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेसेस इन द ग्राफ। आप एक वर्टेक्स एज अ सोर्स वर्टेक्स देते हो, वो बाकी सब यानी उस सोर्स के अलावा, यानी उस सोर्स का पूरे ग्राफ के अंदर जितने भी नोड्स हैं बाकी वहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं और इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम एग्जैक्टली वो पाथ भी ट्रेस आउट कर सकते हैं बैक ट्रैकिंग के ज़रिए कि वो कौन कौन सी नोड्स हैं जहाँ से ये एग्जैक्टली जो उस पाथ के अंदर शामिल हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल जाएगा और उसकी बेस पे हम अगला काम भी कर सकेंगे। अब हम चलते हैं डिक्स्ट्रॉज एल्गोरिथम की तरफ। इस एल्गोरिथम को अगर आप गौर से देखें तो आपको कुछ याद आना चाहिए। हमने जो प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर, वो तकरीबन मिलती जुलती चीज़ है, बस ये है कि थोड़ी बहुत अल्टरेशन उसके अंदर की है तो हमने हमारी जो है फंक्शनलिटी बदल गई है। तो स्टेटमेंट तकरीबन एक जैसी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो है इसको देखने भी इतना मसला नहीं होगा और इसको जो है हम जब सिमुलेट करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे किसी इनपुट पर, तब भी मसला नहीं होगा हमारे पास, ठीक है इंशाल्लाह। ये वही ग्राफ है जो हम पिछले लेक्चर के अंदर भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं क्रूस्कॉल्स और प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमने देखें इसके दो आर्गूमेंट्स हैं, एक तो वह ग्राफ और उस ग्राफ के अंदर किस वर्टेक्स से शुरू करना है, यानी किस वर्टेक्स को एज अ सोर्स वर्टेक्स मानना है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये सी का वर्टेक्स सोर्स वर्टेक्स है और ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, तो हम बाकी सारी नोड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस है सी तक वो हम कैलकुलेट करेंगे डिक्स्ट्रॉज एल्गोरिथम के ज़रिए और फिर इसी की बेस पे हम बैक ट्रैकिंग करते हुए ये मालूम कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस है ये किस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी कैन ट्रेस आउट दैट, ठीक है ना। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि वो बैक ट्रैकिंग यहाँ पर किस तरह से होगी। बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको होगा, हमने बैक ट्रैकिंग जो है वो पढ़ी थी जब हम ग्राफ की जो है ट्रैवर्सल सीख रहे थे, ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कि बैक ट्रैकिंग किस तरीके से होती है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर, या डेप्थ फर्स्ट सर्च उसको आप कह लें, उसके अंदर हम जब एक डेप्थ तक पहुंच जाते हैं कि मज़ीद उसके नीचे कोई और नोड्स नहीं हैं, ठीक है, तो हम बैक ट्रैक करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो वहाँ बैक ट्रैकिंग हम इस्तेमाल कर रहे थे स्टैक के ज़रिए और यहाँ हम बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल करेंगे सिंपल एरे की एंट्रीज के ज़रिए, ठीक है ना। तो वो जब अपने मकाम पे आएगी बात तो हम उसको इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि वो सारी की सारी वर्टेसेस आप रिकॉर्ड करें जिस तरह हमने प्रिम्स के एल्गोरिथम के अंदर किया था, जो ए से लेकर जी तक सारी की सारी एज अ टेम्पोररी एरे या लिस्ट या सेट, कुछ भी इसको नाम दे दें, हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, सेट विल बी अ मोर अप्रोप्रिएट नेम, ठीक है। नाउ फॉर ईच वर्टेक्स इन दिस सेट, ठीक है ना, या इन दिस ओरिजिनल सेट इन फैक्ट, बिल्कुल प्रिम्स ही की तरह वहाँ हमने इसको कॉस्ट कहा था और यहाँ हमने इसको डिस्टेंस कह दिया, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट का कंसेप्ट एक अलग था क्योंकि वो एजेस की बिना पर था, तो यहाँ एजेस नहीं है, पाथ है, तो इस वजह से हम उसको डिस्टेंस कहेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, नॉट अब उसको कॉस्ट भी कह सकते हैं, तो क्योंकि डिस्टेंस की भी कॉस्ट होगी तो डिस्टेंस भी एक तरह की कॉस्ट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने आसानी के लिए डिस्टेंस का वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम था मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, तो हमने उसको कॉस्ट इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे चूँकि हम पाथ की बात कर रहे हैं तो हमने उसको डिस्टेंस के तौर पे कंसिडर कर लिया, लेकिन ये जस्ट नेम्स हैं, बाकी चीज़ एक ही है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम सब का जो डिस्टेंस है वो सब करेंगे, सपोज इन इनिशियल इट इज़ इन्फिनिटी,
और इसका कोई प्रीवियस नहीं है, ठीक है। हाँ, जो स्टार्टिंग नोड होगी जिसको हमने वहाँ पर रूट नोड कहा था, वहाँ पर तो हम उसको रैंडमली सेलेक्ट भी कर सकते थे और हमें इनपुट में प्रोवाइड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ हमें प्रोवाइड ही होगा, ठीक है ना। दैट इज़ एस, दैट्स पॉइंटिंग टू सी, तो इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर पता स्टार्ट इधर से करना है, तो व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट तो माई डिस्टेंस टू दैट पॉइंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। सो व्हाइल लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, सेम कंडीशन, ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह पहले मिनिमम कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इन सब में देखिए मिनिमम सी ही है, ठीक है, तो सी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अब सी के जितने एडजेसेंट हैं उनको देखेंगे। अब सी के देखें एडजेसेंट को, अब देखें सी के जो एडजेसेंट हैं ये चार हैं, इनका अपना जो डिस्टेंस है फिलहाल इन्फिनिटी है, जबकि हमने अगर सी से स्टार्ट करें तो सी का अपना डिस्टेंस ज़ीरो है, और ये अगर एज फाइव हो तो ज़ीरो प्लस फाइव फाइव, तो फाइव ऑप्टिमल है कि इन्फिनिटी ऑप्टिमल है, जारी बात है फाइव ऑप्टिमल है, तो इसको अपडेट हो जाना चाहिए फाइव से और इसका प्रीवियस हो जाना चाहिए सी। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें नोड नोड डी में, तो डी का अपना डिस्टेंस इन्फिनिटी है, अगर आप सी से डी की तरफ जाएंगे तो सी की अपनी कॉस्ट तो ज़ीरो है प्लस दिस वन, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वन, तो वन इज़ ऑप्टिमल, ठीक है ना, तो हम इधर लिख देंगे वन सी, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखिएगा तो एफ़ की कॉस्ट इन्फिनिटी है, लेकिन अगर आप सी से एफ़ की तरफ जाएंगे तो सी, तो जो यहाँ से स्टार्ट करना है तो इसकी अपनी कॉस्ट तो ज़ीरो है प्लस इस एच की कॉस्ट वन, तो हम सी से स्टार्ट करते हुए सिर्फ एक, यानी विद अ कॉस्ट ऑफ वन आप एफ़ की तरफ पहुँच सकते हैं, तो हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे वन कामा सी से, और सेम हम यहाँ पे करेंगे इसको फाइव कॉमा सी से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। कंडीशन इन चारों एडजेसेंट के लिए ये ट्रू है, इसलिए ये चेंजेस सब में हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी के लिए ट्रू ना होती तो हम उसको जाहिर बातें निकाल देते इसमें से। अच्छा, अब दोबारा देखते हैं जी, क्योंकि लिस्ट अभी भी एम्प्टी नहीं है बच्चों, तो इस वजह से हम दोबारा इसका मिनिमम देखेंगे। अब देखिए मिनिमम क्या है, मिनिमम तो ज़ीरो है, लेकिन चूंकि ज़ीरो यहाँ मौजूद नहीं और हमने इस लिस्ट में से मिनिमम को कंसिडर करना है, तो जो इन्फिनिटी है उनको तो छोड़ दें, बाकी फाइव वन वन फाइव में से वन है, तो आप एफ़ वाली नोड को भी कंसिडर कर सकते हो और डी को भी, इसमें कोई ऐसा ऑर्डर वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने कहा इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा सेट, मैंने ये जानबूझ के कहा था, क्योंकि सेट में ऑर्डरिंग नहीं होती, बस बात ख़त्म। तो यू कैन कंसिडर एनी वन दैट इज़ मिनिमम, इधर इट में इधर भी डी और इट में भी एफ, तो सपोज हम डी को कंसिडर कर रहे हैं यू, तो जब चूंकि हमने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसके जितने एडजेसेंट हैं उनको देखें, ए सी और जी, और ये कंडीशन देखें उस पर पूरी उतर रही है कि नहीं, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ए का डिस्टेंस है अपना फाइव, और अगर आप डी का अपना डिस्टेंस देखें तो वन है, यानी सी से आप वन के वन की कॉस्ट से आप डी तक पहुँच सकते हैं। मजीद अगर आप इस एच को देखें तो वन प्लस फोर इज़ फाइव, तो वो ऑलरेडी फाइव है, तो फाइव फाइव से ऑप्टिमल नहीं है, इक्वल है, तो इसको खाम खाम में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो है वो जो पहले से वैल्यू है वो मिनिमम ही है, और उसका जो जो पहले से पेरेंट या प्रीवियस है उसको रहने दिया जाएगा, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन उस पर ट्रू नहीं, ये इज़ इक्वल ग्रेटर देन है, तो जो वैल्यू मिनिमम होगी वही अपडेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है बल्कि इक्वल है, इस वजह से इसको हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। सी में देखें, सी में देखें सी का अपना अपनी कॉस्ट है ज़ीरो, तो ये तो सब पहले ही सबसे मिनिमम कॉस्ट पे, अगर आप डी की अपनी कॉस्ट है वन और आप दोबारा से एक वन का एक्स्ट्रा वर्स करके दोबारा इधर जाते हैं तो ये बन जाता है टू, तो ज़ाहरी बात है ये वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, और ये अपना डिस्टेंस है सी का ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन वन प्लस वन टू, नो सी इज़ ऑलरेडी ऑप्टिमल एट, इसकी डिस्टेंस पहले से ही मिनिमम है, तो इसके ऊपर भी ये कंडीशन ये फॉल्ट हो जाएगी। हाँ, जी के मामले में चूंकि इन्फिनिटी है तो इसको ज़ाहरी बात है हम कंसिडर करेंगे, बाकी दो को हम नहीं देखेंगे, ये इस कंडीशन ने बाकी दो को निकाल दिया। एडजस्टमेंट तो तीनों थे लेकिन इस कंडीशन ने, ये कंडीशन सिर्फ इसके हक में ट्रू है, बाकी दोनों के हक में ये फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिस्टेंस को अपडेट कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ करंट नोड डेट इज़ यू दैट इज़ वन, और प्लस ये जो एज है इन दोनों के दरमियान, तो डेट इज़ टेन प्लस वन इलेवन, क्योंकि सारी बात है वन प्लस टेन और जो अपना डिस्टेंस होता है उनमें जो ऑप्टिमल होता है हमें उसी को रिटेन करना होता है, तो इलेवन इज़ मोर ऑप्टिमल देन दिस इन्फिनिटी बिकॉज दैट वॉज टोटली अनडिफाइंड,
और इस वजह से 11 ये ज़्यादा मुनासिब है। अगली दफ़ा देखें हम तो मिनिमम कौन सा है ए बी ई एफ और जी में, क्योंकि सी और डी तो रिमूव हो चुके हैं। तो ए 5 इसको तो छोड़ दें, ये भी 5, ये 11, तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि नहीं सॉरी एफ 1 है तो एफ को कंसिडर करेंगे, ठीक है। एफ़ की वैल्यू मिनिमम थी, इसकी तरफ ध्यान नहीं किया, 1 तो इसको कंसिडर करेंगे और फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब एफ़ के जितने भी एडजेसेंट उनको देख लें, सी और ई देखें, सी पहले से मिनिमम है तो 0 से मिनिमम हो नहीं सकता है, तो इस वजह से इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ये कंडीशन इसके हक में फॉल्स हो जाएगी। इसके हक में देखते हैं ट्रू होती है कि नहीं, कि ठीक है। ये भी फ़िलहाल अगर सी से डायरेक्ट इस एच के ज़रिए जाता है तो कॉस्ट लगती है 5 और सी से आया, लेकिन अगर हम एफ़ पे हैं तो एफ़ पे सी से एफ तक हम ऑलरेडी 1 डिस्टेंस यानी विद द कॉस्ट ऑफ 1 ट्रेवल कर सकते हैं, तो 1 प्लस दिस 3 इज 4, सो 4 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब अब इसको हम अपडेट कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4 कमा एफ, ठीक है, क्योंकि उसको अपडेट, क्योंकि ये ज़्यादा ऑप्टिमल है, तो जो सी वैल्यू मिनिमम होती है हमने उससे उसको अपडेट कर देना होता है, यही हमारी ग्रीड है, ठीक है। तो ये भी ग्रीडी अप्रोच को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगली दफ़ा हमने देखा तो मिनिमम हमें मिला ई, क्योंकि ई जो है ये 4 है, बाकी सब 4 से ज़्यादा है, ये 5 है, ये इन्फिनिटी है, ये 11 है, डी सी और एफ तो सेट में है ही नहीं, तो उनको तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो बाकी चारों में यही मिनिमम था, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ई को। अब इसके जितने भी एडजेसेंट हैं उनको देख लें, बी सी एफ और जी, देखें बी तो इन्फिनिटी है, तो ये तो अपडेट होगा, 7 + 4 = 11, ये तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन दिस 4 + 5 = 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 0, तो वो पहले से मिनिमम है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सी के हक में तो ये कंडीशन फॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी अपनी कॉस्ट है 4 + 3 = 7, जबकि एफ खुद 1 पे स्टैंड कर रहा है, तो वो पहले से ही जो है ज़्यादा करीब है, ठीक है। और यहाँ पे देखें 4 + 3 = 7 और ये 11 पे है, तो हाँ इसको हम अपडेट कर सकते हैं, तो सी और एफ को तो हम अपडेट नहीं करेंगे, बी और जी को अपडेट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमने इधर अपडेटेड वैल्यू शो कर दी, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल टेम्प इज नॉट एम्प्टी, तो वी नो टेम्प इज नॉट एम्प्टी, क्यों, वी हैव गॉट 3 वर्टिसेस इन टेम्प, ए बी एंड जी, विच वन इज मिनिमम, यू हैव टू सेलेक्ट एंड मार्क इट एज यू, सो ए 5, बी 11 एंड जी कॉस्ट और द डिस्टेंस ऑफ जी इज 7, सो 5 इज द मिनिमम, सो यू विल पॉइंट टू 5, नाउ वी विल रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट टेम्प, और द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज सेट, सो ए विल बी रिमूव। नाउ फॉर ईच एडजेसेंट नोड ऑफ ए, ए की कितनी नोड है हमारे पास एडजेसेंट, देर आर 3, डी सी एंड बी, सो इफ वी आर एट ए, सो वी आर एट डिस्टेंस 5, सो फ्रॉम 5 इफ आई ट्रेवर दिस एच 4, इट बिकम्स 9, सो इट इज ऑलरेडी अ डिस्टेंस 1, सो वाई टू अपडेट इट, सो वी विल नॉट अपडेट डी, एंड सी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सो वी विल नॉट अपडेट इट, सो लेट्स हैव अ लुक एट बी, इट नीड्स टू बी अपडेटेड और नॉट, सो 5 + 3 = 8, यस इट नीड्स टू बी अपडेटेड, सो डी एंड सी विल नॉट बी अपडेटेड, बट 5 + 3 = 8, इट विल बी अपडेटेड, सो इट विल बी 11 ई विल बिकम 8 सी, वाई सी, बिकॉज वी आर नॉट सी ए, बिकॉज वी are updating it from A. See, if C to A 5 and from A to B 3, so it becomes 8, and we have approached B through A, so it will be A. So 8 is the total maximum, minimum distance, and A is the node or that vertex from which we have, or through which we have approached it. Okay, now let's move on. While temp is not empty, yes it is not empty because we have got two elements B and G, so which is the minimum one, B or G? B is 8 and G cost 7, so of course G is minimum, so G you will point to G and G will be removed from this. Now from each adjacent vertex of U, and we will suppose it is V, so in fact we do not need any name here. So there are two adjacent nodes D and E, and G is at distance 7, so if we go from this 7 and traverse this edge, it will become 17, so why to reach here with a distance of 17 if it is already at a minimum distance of 1, so D will not doesn't need to be changed. And when we talk about this E, so 7 + 3 is
10, but it is already starting at distance that costs only 4, so it is already at minimum, so nothing will be changed. This condition will be false for both. So if it is false for both, so no change will be done, and temp is not empty, it's a singleton set now. Just B left here, so of course this B will be the minimum, and we are going to remove this B, and this will be become now the empty set. What is it, for each V in adjacent U, so what are the adjacent of this B, A and E? So if we are at B, so in pin we are at distance 8 plus 3 after traversing this edge, it becomes 11. So why to reach A with a distance of 11 if we have already at A with a distance of 5? So A will not be updated. So let's talk about E. It's 8 plus 7, 15. Oh, it cost much. It is very close to C, and distance is already minimum. It's already less than the distance that B is providing. So this condition will also be false for both A and E. So no changes will occur. While temp is not empty, now temp is empty. Oh, finish. Temp is empty. Algorithm finish. But what do we get? In minimum spanning tree, we used to get some data that we used to create a spanning tree. But what happened here? Nothing. It is just because we are not seeing anything. If we collect all the data that has been displayed here in the form of a table, so this will be a two-dimensional array. So vertex, the distance of vertex A from C is 5, and it comes through C, and the distance, the minimum distance of to reach B from C is 8, and its previous in what will be the previous node in the path, it will be A. It comes through A. So you just need to enter this data in a table, or you, in fact this is already being saved in a table, if we talk about the implementation point of view, and by table I mean a two-dimensional array. And now what we have to do, okay, all this information is saved. So what is the minimum distance of from C to A? It's 5. From C to B, it's 8. From C to C, oh, it's 0 because it is the starting point, it's self point. From C to D, it's 1. From C to E, it's 4. From C to F, it's 1. And from C to G, if it is 7. So I told you that Dijkstra's algorithm will give you the minimum distance, and it will also give you that this minimum distance can be attained by approaching this vertex through which previous node, and this previous status is recorded here, and with the help of this previous status we can backtrack all the information, and we can get the exact path, we can trace out the path. How? Here it will be done. Now from C to G we want to know what is the minimum distance, so we can use a stack here, and not for backtracking, just for getting it in a right way, otherwise you can reverse the answer. You are starting from you need distance from C to G, so G will be pushed on the top of the stack, and then for backtracking, C is the entry of G. So G says that the previous node in the path is E, so I am including E, so I mean I am pushing E on the top of the stack. And if we backtrack again with the help of table, so E says that the previous node in this path will be F, so I will push F on the top of the stack. And if we again backtrack, F says that the previous node will be C, we again push C on top of the stack, and C says I am the starting point because there is no previous. So now if we pop out everything from stack C, F, E, G, so this will become the path from C to G. I haven't shown the operation of stack, but still I think you got it. And this was all, this is the path from C to G, and how much is cost? 1 plus 3 plus 3, it's 7. So cost of this is 7, which we have already mentioned here,
the distance from C to G, the minimum distance is 7. So you can verify it. So this is all about Dijkstra's algorithm and how can and what its output is and how can we use this output to trace out the exact path with this minimum distance using backtracking and stack. Backtracking is done through this table and stack is just you to get the answer in a proper way. Otherwise, if we do not use stack, it will become G, E, F and C. So if we use stack and put G, E, F, C and if we will pop out, the result will be reversed. That is why stack is used to reverse a string that we have already discussed. So answer will be C, F, E, G. So it will be more appropriate if you need if you use stack. So this was today's topic and the last topic, of course, and we have finished it by the grace of Allah. And quiz we have already taken it. So this is the end of lecture as well as the end of course. तो बच्चों ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ. गो के मुझे ये थोड़ा सा शिकवा रहा कि बच्चे क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन शायद उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि बहुत से बच्चे रिपीटर्स हैं और उन्होंने ये कोर्स पहले से पढ़ा हुआ था, तो उनको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था, आइडिया उनको चीज़ों का था, ठीक है ना. तो इसी उम्मीद के साथ अल्लाह ताला जो है आप लोगों को खुशियाँ दें और अल्लाह ताला आप लोगों को इज्जत दें, सेहत दें. आजकल सेहत के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना. और ख़ास तौर पे सुना है कि कोरोना की लहर दोबारा आ रही है, तो बच्चों अपनी हिफाजत करो, खाम खा घरों से मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो. अभी जब यूनिवर्सिटी में आना भी पड़े तो इंतहाई ख्याल से आओ भाई, ठीक है ना. दोस्तियाँ यारियाँ अपनी जगह हैं लेकिन उनके लिए अपना वक्त होता है. तो सेहत बड़ी बुनियादी चीज़ है, ठीक है ना, इसका ख्याल कीजिए. तो दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.